किन्नू कुंवारी जमाने के लिए पोचा लगा रही है। पहले घर को शुद्ध करना होता है, फिर उसके बाद कुंवारी जमाई जाती है। और टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, कुंवारी जमाने के लिए सारी तैयारियां हो गई है। हलवा तैयार है प्रसाद के लिए, खीर बन रही है। अब कंजके आनी रहती हैं, बाकी सब तैयारी हो गई है। तो सारा काम फिनिश करके हम आए हैं अभी सफीदो। और त्यांश हो रहा है बहुत खुश गाड़ी में बैठ के आज, और मैं भी। अभी आज जाएंगे हम नाग क्षेत्र पे, सफीदो में है, काफी फेमस है यहाँ पे। तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैंने क्या आज तक मम्मी ने भी नहीं देखा है, बस सुना सुना है उसके बारे में। तो आज हम वो देखने जाएंगे, आप सबको भी दिखाएंगे, देखना ध्यान से। चलो मिलते हैं सीधा नाग क्षेत्र पे। ये है नाग क्षेत्र जहाँ पे कृष्ण भगवान ने नाग चले थे। किधर जा रही है? लिया कर गाड़ी का, इधर आ, इधर वापिस आ जा। एक बात तो बताओ यार, नाग कुकर तले गए थे नु, कल नाग तले गए थे, नाग तले गए थे, कढ़ाई में तेल डाल दिया। हां कसम भगवान को नाग गिरे और पलटे के ले गए नु, एक बार पलट पलट के खूब तले दिए। आ ये मजाक की बात है, सच की है, इतना तो मैंने बेर है स्वाद ले रे।
चलो आ जाओ आ जाओ। बस बेटा आ जा चलेंगे घर चलेंगे आ जाओ। आगे मत जा देखो स्वैन देख उधर उधर देख यहाँ से देखो उधर वो क्या है उधर देखो क्या है वो पानी देखो हमने कौन दिख रहा देखो पानी मछली तो आएगी नहीं देख बंदर देख बंदर यहीं से फेंक दो डालो ऐसे डालो हाथ करके डालो दीदी की मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दीदी। थैंक यू। और आज हम पकड़े गए हैं ये ट्रीट लेके जब जाने देंगे जाने नहीं देंगे जब तक हमें ट्रीट नहीं मिलेगी और हम लेंगे आइसक्रीम की ट्रीट। ये बहुत अच्छी चीज है इट्स रियली वेरी वेरी नाइस। सच में मुझे नहीं पता था सफेदों में भी इतनी सुंदर चीज है। अगर इसकी मेंटेनेंस होना तो ये बहुत अच्छा दिखे। सब टूटा फूटा पड़ा है यहाँ कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ये रानी का महल है इसके पीछे सफेदों की रानी हुआ करती थी कोई। ये यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है लेकिन ये खंडित हो चुकी है। यहाँ पूरे में ये वाटर पार्क था एक तरह से सारे में पानी और ये घास की भी पहले मेंटेनेंस होती थी मुझे तो नहीं पता खैर मुझे भी बताया गया है। ये सारा वाटर फाउंटेन है देखो कितना सुंदर लगेगा अगर ये प्रॉपर हो तो। अभी तो इसमें कहीं झाड़ उगे हुए हैं कहीं कुछ एकदम सफाई नहीं है बिल्कुल भी। सफेदों में रानी रोनी भी थी के और जमीन भी है रानी की और शक्ति। चलो आप टेल मी अबाउट योर सफेदों। हर गुफा भी है सफेदों से जीन या नाक छत्तर तक ना आने देख वो बच्चे गिरेंगे देख तो डर लग रहा है देख तो सु देख देख ये भी नो करना नहीं आता देखिए। हां नीचे चढ़ो चलो ऊपर ऊपर चढ़ जाओ खेल खेल ले तेरे मामा भी बाड़ा खाई तो यो छेद हो रहा है। अच्छा टीशा बाबू हाँ इन्हें छोड़ दो कौन रुक रहा खेती भी वह फिर भी छोरी है छोरी में यू फर्क हुआ देख लिया मैंने फेस तो इधर कर रहे हैं लिया एक हाथ आगे लेके आगे एक हाथ से आगे वाला पकड़ एक छोड़ हाँ अब दूसरे से पकड़ हाँ हाँ ऐसे
कूद जा कूद जा कूद जा, छोड़ दे आज। देखो हम यहाँ से उतरेंगे, मैं तो देखो इधर ताती उधर पजामा पड़ेगा। ना 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 ए फिसल गए फिसल गए फिसल गए। ये है मंदिर का पूरा व्यू, बहुत प्यारा लगता है यहाँ से। आगे इसके ये पानी का कुंड है बहुत बड़ा, तो इसको नाग क्षेत्र तो यही इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक यज्ञ रखा गया था, जो जन्मेजय एक राजा हुआ करते थे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से, तो उस दिन उसने बदला लेने के लिए यहाँ पे यज्ञ रखा था जिसमें सारे सांप आके नष्ट होते चले गए थे, सारे भस्म हो गए थे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि हमें जाना है पाथरी वाली माता पे भी, हम लेट हो रहे हैं। किसी दिन मैं आपको पूरा नाग क्षेत्र अच्छे से दिखाऊंगी, अच्छी सी वीडियो बना के उसके उसकी प्रॉपर कहानी बताऊंगी। आज के लिए तो इतना ही था, बस इतना ही देख पाए हम। प्रियांश कैसी है? आइसक्रीम की पार्टी चल रही है यहाँ, आइसक्रीम की पार्टी चल रही है यहाँ। देखो मैंने कैसे खाया। कैसे खाया बताना मेरे को। ऐसे खाया। कैसे खाया? ऐसे खाया मम्मी। मम्मी बताया जी की ओर लिया कौन ने? हेलो 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 जी जी गेल कह रहे अच्छी नोजी भी आओगा। कैसे आएगा नोजी? ऐसे प्यास नोजी आएगा फिर मत खा फिर भी तो होगा। नोजी आएगा नोजी देखे स्वाद अब हम फिर से जा रहे हैं कहाँ? अब हम माता पे जा रहे हैं, पाथरी वाली माता पे। सफेदों से तो आगे थे, अब सारे वहाँ के लिए रेडी हो रही है और मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली है। अब चलेंगे पाथरी वाली माता पे। Okay.